हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स के इस चैनल में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे एक रेड बटन दी होगी, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा वहाँ पे क्लिक करने पर चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँच जाया करेगी यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल। तो ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होती होगी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाया करेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सप्ताह के टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। इस सप्ताह जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आई है उसमें से हम टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी निकाल के लाए हैं आपके लिए। और आप यदि स्किप कर दिए हैं मेरी वीडियो, पहले जो वीडियो मेरी आई थी, हालांकि सारे के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यदि आप उन वीडियो को स्किप कर दिए हैं तो आप इसमें इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल, मैं 5 वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा कौन सी वैकेंसी मेरे से स्किप हुई है, कौन सी नहीं हुई है। तो आप जाके वीडियो मेरा देख सकते हैं, मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। पहली वैकेंसी की बात करें तो जारी की गई है SSC की तरफ से। दोस्तों, SSC की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, हिंदी प्राध्यापक और 3-4 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। BA मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री के लिए वैकेंसी है और आप इसे देख सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो के सेक्शन में जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए अच्छी वैकेंसी हो सकती है, खासकर यदि आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो, यदि आप हिंदी इंग्लिश से किए हैं तो आपके लिए अच्छी वैकेंसी हो सकती है। दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो वो CRPF की तरफ से जारी किए हैं। दोस्तों, CRPF की तरफ से SI ड्राफ्टमैन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, कारपेंटर, पेंटर के लिए वैकेंसी जारी की गई है। ये जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा लेवल की और 10th लेवल की वैकेंसी है। तो यदि आप डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में या 10th पास भी हैं तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी है तो अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं। ये आपके लिए, खासकर 10th पास के लिए और डिप्लोमा होल्डर के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी हो सकती है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। दोस्तों, तीसरी वैकेंसी जो जारी की गई है वो UPSC की तरफ से जारी की गई है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जो ये वैकेंसी जारी की गई है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, मतलब कंबाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें BSF, CRPF, CSF और SSB के आर्म फोर्स शामिल हैं। तो यदि आप आर्मी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं एज ए आर्मी तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे वीडियो में जाइएगा, मेरे वीडियो सेक्शन में, मेरे चैनल की वीडियो सेक्शन में, वहाँ पर इसकी वीडियो में बनाया हूँ, आप उसको डिटेल में सब कुछ देख सकते हैं। और वहाँ पर वीडियो में आपको सब कुछ मैं बताया हूँ कैसे कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर की जो वैकेंसी है वो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैकेंसी है। जो स्टूडेंट बिहार के हैं या आउट ऑफ बिहार के भी हैं तो आप वो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में जो प्राइमरी लेवल की और जूनियर लेवल की वैकेंसी है, ये प्राइमरी लेवल टीचिंग के लिए और जूनियर लेवल टीचिंग के लिए वैकेंसी आई हुई है। यदि आप प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए होना चाहते हैं तो आप प्राइमरी लेवल के TT के लिए अप्लाई करें, यदि आप जूनियर लेवल के होना चाहते हैं तो जूनियर लेवल TT के लिए अप्लाई करें। यदि आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं इसकी वीडियो भी सब कुछ बनाया हूँ, इसके बारे में आप वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, BEd वगैरह, BTC वगैरह, कुछ कुन कुन किसी किसी के लिए BEd, किसी किसी के लिए BTC और अन्य सब ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और फॉर्म वगैरह आप वहाँ से देख सकते हैं कितने का फॉर्म है, उसकी वीडियो देख कर आप सब कुछ पता लगा सकते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर की वैकेंसी जो है वो NTPC की तरफ से जारी की गई है। दोस्तों, NTPC की तरफ से जारी की गई है, जो 3-4 उसकी जो मेंटर कंपनीज हैं उनके लिए, 3-4 उसकी मेंटर कंपनीज हैं जिसमें कंबाइंड डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो खासकर ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, यदि आप डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या इन सब से तो आपके लिए वैकेंसी है। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, इस वैकेंसी के बारे में मैं सब कुछ डिटेल बनाया हूँ। तो आप यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप हुए तो आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी 6 महीने की, उसके बाद आपको जॉब दिला जाएगी इसी कंपनी में खासकर। और आपको NTPC आप जानते हैं रेपुटेटेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका फ्यूचर इस कंपनी में बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो ये थे पाँचों जॉब्स के बारे में जो इस वीक जारी की गई हैं ऑफिशियली, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट साइटों पर जारी किए गए हैं। और ये आपके लिए हमें अलग अलग क्षेत्र में बता दिया, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन की, कुछ ग्रेजुएशन की, कुछ डिप्लोमा होल्डर्स की, कुछ 10th पास की,
कुछ ऐसे ऐसे सिंपली 12th पास की, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और जो भी आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं और भर सकते हैं और आप एग्ज़ाम देकर आप इनमें अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो शायद आपकी ये सब कुछ डिटेल में जो मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसके जो मैं पांचों बताया हूँ उसकी जो मैं अलग अलग वीडियो भी बनाया हूँ, आप वीडियो मेरे जैसे मेरे चैनल खोलेंगे तो उसमें मेरे चैनल पे क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट जॉब लिखा होगा वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मेरा चैनल खुल जाएगा, इसमें जिसमें रहेगा होम, वीडियोज, प्लेलिस्ट, चैनल्स, ये अबाउट। तो आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे वीडियो जो रहेगा ऊपर वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो सपोर्ट आपको वीडियो मिल जाएंगे लाइन से जो मैं बनाया हूँ, तो आप उसके थंबनेल से ऊपर लिखा होगा इसके लिए वैकेंसी, उसके लिए वैकेंसी, तो आप वहाँ पर उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, सबके बारे में वीडियो बनाया हूँ। तो ऐसे वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा लोगों को पता चल सके, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे नीचे रेड बटन दी होगी जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा दाहिने साइड नीचे की तरफ, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को जिससे आप अपडेट कर पाएँ गवर्नमेंट जॉब को, गवर्नमेंट जॉब सबसे छूटे हैं और यदि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो इस चैनल को आपको सब कुछ गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी मिलती है और आपको सब कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी बताई जाती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में नहीं है, अगली वीडियो के साथ फिर मिलने के वादे के साथ चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।